जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपका जो भाई बताने वाला है वो बताने वाला है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें मैंने पहला चैप्टर लिया प्रश्नावली जो है 12.1 वो मैंने लिया, और प्रश्नावली जो 12.1 का है ना वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैं इसी वीडियो में सॉल्व करूंगा, ठीक है। और इसी तरह से मैंने जैसे कि 12.1 हुआ, 12.2, 12.3 जितना भी आएगा सबको एक एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना और जो भी आपको डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पूरा 100% समझ में आएगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान लगा करके देखना है, ठीक है, बस इतना आपको करना है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि सबसे आसान है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई किस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर, पता नहीं, ठीक है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के क्या है, योग के बराबर है, ठीक है। तो भाई निकालेंगे, बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है कि जो दो वृत्त है, दो वृत्तों की त्रिज्या जो दे रखी, मानो पहला वृत्त एक मान लो, यह है दूसरा वृत्त, ठीक है। तो पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 19 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1, क्या लिखेंगे, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मान लेते हैं R2, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या हो गई R2 बराबर में 9 सेंटीमीटर। तो कहता है क्वेश्चन कि दोनों वृत्त के परिधि का योग जो है, ये योग मतलब ये दोनों को जोड़ देना, और जोड़ने पर एक बड़ा वृत्त बन जाता है, उस वृत्त का जोड़ने पर क्या बनता है, एक बड़ा वृत्त बन जाता है। और इसी वृत्त की हमें क्या ज्ञात करनी है भैया, त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या यानी आर हमें ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, कैसे ज्ञात करेंगे, चुटकियों में, हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये सो तो फिगर दर्शा दिया, हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। अब प्रश्न से मैंने लिखा, अब हम क्या करेंगे कि दोनों वृत्त की परिधि, ठीक है, और बराबर में ये बड़े वृत्त की परिधि, ठीक है, क्योंकि इसका हम जोड़ रहे हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रश्न से पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, अब प्लस में दूसरे वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे, दूसरे वृत्त की परिधि, ओके, मैंने लिख दिया परिधि का या परिमिति का एक ही बार, बराबर में बड़े वृत्त की परिधि, लो भैया हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले वृत्त की परिधि, क्या होता है, 2πr होता है, क्या होता है, 2πr, हमें r को क्या लगा देना है, 1, क्योंकि ये पहला वृत्त हो गया, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, क्या 2πr ही होगा, 2πr, इसको हम R2 लगा देंगे। अब बराबर में बड़े वृत्त की परिधि, क्या 2πr ही होता है, 2πr, लेकिन R हम क्या कर देंगे, एक बड़ा रख देंगे, ठीक है, 2πr। यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, अब 2π है और 2π है, कॉमन ले लीजिए, चलिए हम यहां से हम क्या करते हैं, 2π कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा R1, हमारे पास कितना है, 19 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 19, अब प्लस में R2 कितना है, 9, तो हम लिखेंगे 9, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर, 2 यानी 2πr है, तो हम क्या करेंगे, 2πr लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 2π से 2π कट गया, कि नहीं, अभी कट गया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे देखिए 19 और 9 कितना हो गया भाई, 19 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 28, अब बराबर में ही बड़का आर, तो आप देख सकते हो बड़का आर बराबर कितना हो गया, 28। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या कि आर बराबर 28 सेंटीमीटर लगा दिए, क्योंकि सेंटीमीटर में यूनिट है, तो हमने यूनिट लिखा सेंटीमीटर में, और ये निकल करके आ गया, बहुत आसान है। इसी टाइप के हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें परिधि कह रहा है, उसमें कहता है क्षेत्रफल, और त्रिज्या अलग अलग दे दिया, कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है, आइए उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा, देखिए हम आपको पहले बताते हैं, YouTube पे अगर ये पढ़िएगा ना तो सब टीचर ना सब रंग के बताएंगे, सब रंग मतलब रंग नहीं तो कहिएगा लाल पियर उज्जर हरियर, है ना, ऐसा नहीं, मतलब अलग अलग तरीके से बोले तो अलग अलग स्टाइल से बताएंगे, ठीक है, लेकिन पहुँचेंगे यहीं पर 28 सेंटीमीटर पर ही पहुँचेंगे, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर हम चलते हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो यार आप देख लो, ये हमारे पास जो प्रश्न क्रमांक आ गया ये 2 आ गया, ठीक है। अब 2 को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, देखिए यहां पे लिखा गया है क्या,
कि दो वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दो वृत्त, ये पहला हम मान लेते हैं, पहला वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर में 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर में 6 सेंटीमीटर, ओके। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब परिधि नहीं कर रहा, अब क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो कौन सा वृत्त हमको पता नहीं, तो ये वृत्त मैंने मान लिया और इस वृत्त की त्रिज्या मैंने लगा दिया आर, और इसी वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। किस कंडीशन में? उस कंडीशन में जब इस दोनों का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। प्रश्न से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, प्रश्न से, ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, इसको 1 लिख दो, और प्लस में पाई आर स्क्वायर इसको 2 लिख दो, R2, और बराबर में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वही पाई आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर कर दो। यहाँ पे अगर हम पाई ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बचेगा यहाँ R1 का स्क्वायर, है ना। तो R1 यानी पहले वृत्त की त्रिज्या कितना 8 है, तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और प्लस में ये भी तो कॉमन हो गया, निकल गया। R2 हमारे पास कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये पाई है ना, तो पाई लिखिए और बड़का आर स्क्वायर रहने दीजिए। देखिए पाई से पाई कट ही गया ना, तो पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास बचा ही क्या 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर 8 64, दो बार गुना करेंगे 64, और प्लस 6 का स्क्वायर 36, बराबर में हो गया 8 स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान होता है इस सबको सॉल्व करना, ठीक है। 64 36 को जोड़ना दीजिए या लगा दीजिए इसमें, 64 36 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, ठीक है। अब बराबर में आर स्क्वायर, हम इसको लिख सकते या आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इधर लिख दो, इधर लिख दो 100, ठीक है, 100 मैंने सीधा कर दिया, ठीक है। अब मान लो कि अगर ये स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे पास इधर क्या बचेगा? रूट बचेगा। तो आर बराबर हम डायरेक्ट ना लिख सकते हैं, अरे 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर लिख दो, यूनिट है हमारे पास, लेकिन हाँ ये आ गया 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ गया, ओके। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, अगर वीडियो मतलब भी समझ गए तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है, लीजिए। हाँ तो भाई देख लो, प्रश्न क्रमांक हम 3 की ओर चलते हैं, और 3 मैंने लिखा नहीं, थोड़ा लंबा है, तो पढ़ करके मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा है, देखिए पढ़ेंगे ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा गया कि आकृति 12.3 है, ये 12.3 आकृति है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आकृति, ठीक है। तो आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जहाँ पे हम तीर मारते हैं ना, गेम वगैरह खेले होइएगा, बीच में तीर मारता रहता है, अपना अपना निशाना जो है ना साझता रहता है, ठीक है। तो ये देखो सर है ना, इसी में ना मारता है तीर, है ना, गेम खेले होंगे। तो तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है जिसका नाम है गोल्ड, ये मानो केंद्र है, ठीक है। और 5 क्षेत्र क्या है यहाँ पे है, जिसका नाम पहला गोल्ड, ये गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर वाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, ये सब मैं चिन्हित कर दिया, ठीक है, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास जो है, यानी गोल्ड, ये जी गोल्ड है तो इसका जो व्यास है, व्यास क्या है गोल्ड का, व्यास यहाँ पे हम लिख देते हैं गोल्ड, GOLD, गोल्ड का व्यास, भैया व्यास दे रखा है कितना, तो व्यास दे रखा है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ओके, ये दे रखा है, ओके। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, कहने का मतलब ये जो व्यास यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो पट्टी है, ये वाला पट्टी, ये जो देख रहे हैं ये सब पट्टी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये सब पट्टी जो है, सौ पट्टी की जो लंबाई है कितनी है भाई, तो वो है 10.5 सेंटीमीटर, कितना कितना है 10.5 सेंटीमीटर, सब 10.5 है ना, ये भी 10.5 सेंटीमीटर सब पट्टी की चौड़ाई है, ठीक है। तो ये जो व्यास था 21 सेंटीमीटर, तो व्यास यानी d बराबर 21 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना, तो r बराबर फॉर्मूला होता है d बाई क्यू, है ना। तो r बराबर क्या हो गया यहाँ पे, देखो d बाई क्यू है, तो d हमारे पास 21 और ये बट्टा में 2 रख देंगे, चलिए इसको काटेंगे तो कितना 10.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है।
तो सबका निकालना है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, सबका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भैया? बहुत आसान है ना। देखिए करना क्या है, यहाँ से हम सबसे पहले गोल्ड वाले, तो गोल्ड का तिरजा कितना है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक तिरजा, तो तिरजा दिया है 10.5 सेंटीमीटर, हो गया ये तिरजा है। तो तिरजा इतना है, तो गोल्ड वाले तो हम लिखेंगे गोल्ड, GOLD, गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्न से, प्रश्न से। अब गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए तो यानी वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर ना होगा गोल्ड वाला क्षेत्र, है ना। तो गोल्ड के लिए तो वृत्त का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या होगा, πr² है कि नहीं, तो πr², तो पाई का मान लिख दीजिए 22/7 कितना 7, तो हम लिखेंगे 22/7 और गुने में r², तो r कितना है 10.5 और गुने में 10.5 लिखे, क्यों, क्योंकि r² है तो 10.5 का स्क्वायर ना कर दे, तो स्क्वायर का मतलब क्या कि दो बार गुना कर दो, तो हमने गुना कर दिया, ठीक है, या मन है ना तो स्क्वायर रखो, बहुत तरह से हम गुना कर देंगे ट्रिक से, ठीक है। अब देखिए 22/7 है तो 22/7 गुने 10.5 का स्क्वायर है, हम कैसे गुना करेंगे, अरे बहुत आसान है, देखो जिसके लास्ट में अगर 5 है तो उसको गुना करना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर पूरा 25 डाल दीजिए, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव डालिए, और 10 है ना तो एक पॉइंट बढ़ाइए, तो 10 से एक पॉइंट बढ़ाएंगे तो 11 होगा, 11 से 10 में गुना करोगे, 11 दाएँ के 110 लिखो, 110.25 आ गया, है कि नहीं। अब 22 से 110.25 में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करके और यहां से हम क्या करेंगे 7 से फिर भाग दे देंगे, तो 22 से हम गुना करके हम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये होगा 24.25, दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, बट्टे में 7 रख दो। अब हम क्या करेंगे 24.25 में जो है 7 से हम क्या कर देंगे भाग देंगे, तो भाग देना तो कितना आएगा, काट देना, ठीक है, तो ये आएगा 346.5, ठीक है, इसको काटोगे। अब हम रख देंगे इसका यूनिट सेंटीमीटर, हम क्या ज्ञात किए, वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात किए थे ना, क्या ज्ञात किया क्षेत्रफल, क्योंकि गोल्ड के लिए तो क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो यूनिट स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, तो ये आ गया। तो भाई अपना कैलसी कर लेना, मैं पहले से ही करके रखा हूँ, ठीक है, और मतलब कर लेता हूँ तो वीडियो को क्या करता हूँ उसको वहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ताकि समय वेस्ट ना हो, ओके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, अब हम चलेंगे किसकी ओर, तो अब हम चलेंगे रेड की ओर, तो रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो रेड वाला हम देखें पहले, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, तो ले लिए, गोल्ड का तो निकल गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चल दिए हम आगे चलते हैं, गोल्ड हो गया ना, अब चलते हैं आगे, यहाँ पे देखिए रेड है, तो हम लिखेंगे क्या, रेड वाले वृत्त का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, है ना, तो लिख देते हैं, ये सबको मिटा दे, हम मिटाइए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो पता चल गया कि तिरजा यहाँ पे, तिरजा यहाँ पे अलग अलग परिवर्तन भी होगा, ठीक है, तो लिखते हैं रेड, है ना, RED, रेड के लिए, रेड के लिए भैया, रेड के लिए। अब हम समझाते हैं, देखिए रेड है तो देखिए नीचे क्या है, इसके नीचे मैं समझाता हूँ, देखिए समझिएगा ना तो बस गलती हो जाएगा, जी यानी गोल्ड है, और ऊपर क्या रेड है, है ना, तो ये रेड है, दो को मैंने बाहर किया। अब गौर से देखिए इसका केंद्र क्या, ये है, यानी ये जो गोल्ड वाले इस वृत्त का भी केंद्र यही है, और ये जो क्या है रेड वाले हैं इस वृत्त का भी केंद्र यही है। तो अगर वृत्त दिया हो, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, जितना भी दिया हो, लेकिन उसका केंद्र एक ही हो, तो उसे हम कहते हैं वलय, क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जब हम रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, अर्थात वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, रेड वाले वृत्त क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, गोल्ड वाले वृत्त क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे, तभी ना आएगा आंसर। तो आपको पता है कि गोल्ड वाले का जो तिरजा है वो कितना निकला था, मैंने 10.5 निकाला था, ठीक है, तो गोल्ड का तो हो गया तिरजा मालूम, तो रेड का कहाँ से निकलेगा, तो रेड का तिरजा कैसे निकालेंगे, तो रेड वाले का तिरजा कितना होगा, यहाँ पट्टी जो दिया गया इसकी चौड़ाई 10.5 दिया गया, ठीक है, तो केंद्र तो एक ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही पूरा जाएगा तिरजा, तो 10.5 इतना 10.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21 सेंटीमीटर, तो रेड वाले का तिरजा कितना हो गया, रेड का तिरजा भाई यहाँ पे लिख देते हैं, रेड का तिरजा लिखने की भी जरूरत नहीं, दर्शा देंगे फिगर में तो हो जाएगा, क्योंकि फिगर बना दिए हैं, तो रेड का तिरजा जो दे रखा है भैया कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने लिख दिया।
और गोल्ड का कितना 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको आपको क्या ध्यान रखना है कि रेड के लिए, रेड के लिए तो ये दो का विरित है, मतलब समझ जाना कि वलय का क्षेत्रफल। तो रेड के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है कि बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या है कि छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घट जाता है। तो बड़े वृत्त यहाँ पे लिखते हैं, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या, मतलब पाई आर स्क्वायर, आर रख देंगे बड़का स्क्वायर मान लेंगे, ठीक है, और माइनस छोट का पाई इंटू आर स्क्वायर छोट का आर, इसको हम पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर और माइनस के आर स्क्वायर। बस यही आपको फॉर्मूला लेकर के घुमाना है, ठीक है, इसी फॉर्मूला से सब बनेगा वलय के लिए। तो रेड के लिए वलय का क्षेत्रफल ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे पाई इंटू देखिए बड़का आर स्क्वायर, तो बड़का ये जो यही ना वृत्त होगा बड़ा बड़ा रेड वाला, ठीक है, तो रेड वाले का त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 21 का स्क्वायर और माइनस ये छोटका हो गया ये गोल्ड के लिए, तो गोल्ड का त्रिज्या कितना 10.5, तो हम लिखेंगे 10.5 का स्क्वायर मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए पाई है तो पाई इंटू 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गुना कर देंगे, एक एकम एक, दो एकम दो, दो दूनी चार और दो दूनी चार, 441 होगा, है कि नहीं, किसका स्क्वायर, और माइनस 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 लिखो, दसना तो दसना दस का एक बड़ा पॉइंट, 11 दाएँ कि 110, तो 110.25 आ गए, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, पाई है ना तो पाई का मान रखना दीजिए, अब 22/7 और गुने में इस सबको 441 में से 110.25 घटाओ तो कितना होगा, सिंपल है ये हमारे पास हो जाएगा, देखो मैं आपको घटा करके ही बता दूँ नहीं तो फिर गलती कर लेना, 441 है और दशमलव के बाद अपना मन से दो को जीरो बैठा देंगे तो कोई फ़र्क है नहीं पड़ेगा, जितना रखेंगे ना जीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने रख दिया। अब 110 घटाना है ना, 110.25 क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव रखना पड़ता है तब घटा, जीरो में से पाँच तो ना घटेगा, हासिल लेंगे इधर से ले चल जाएंगे तो ये हो जाएगा पाँच, ये बचेगा नौ, है ना, तो नौ में से दो जाएगा तो सात, दशमलव तो दशमलव ये एक था ये बच गया जीरो, है ना, अब जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास जीरो ही, है ना, ये बचेगा कितना तो चार बचेगा, तो हम लिखेंगे क्या चार, और सॉरी चार में से एक जाएगा तो तीन बचेगा ना, तो हम लिखेंगे तीन और ये चार में से तीन, 330.75, ओके, तो इसको हम घटाएं तो कितना है भाई, यहाँ पे देख लो कि 330.75 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से या 22 से 100 में गुना कर दो, तो 22 से 100 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो मैं डायरेक्ट गुना करता हूँ, ठीक है ना, अपना कर लेना, ओके 76.5, ओके, और बट्टे में रख देंगे हम कितना ये 7, तो हम लिखे 7, अब 7 से 100 में भाग दे देना, ठीक है, कितना आएगा देख लेते हैं, 7 × 7 दो 5 उतारेंगे, दो को संख्या उतारेंगे तो 0 और इसको हम भाग देंगे 7 × 21, है ना, तो ये बचेगा 6, ये 66 होगा, 7 × 8 और ये फिर 5 आ जाएगा, 7 × 5 = 35 कट जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ओके, तो 10.5 सेंटीमीटर² हम रख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, रेड के लिए आ गया, अब हम निकालेंगे ब्लू के लिए, किसके लिए, ब्लू के लिए निकालेंगे, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो यार प्रिय छात्रों यहाँ पे देख लो कि अब हमें निकालना है कि ब्लू है ना, ये ब्लू के लिए, तो हम रेड निकाल चुके हैं, गोल्ड निकाल चुके हैं, रेड निकाल चुके हैं, ब्लू वाले, तो ब्लू हम यहाँ पे एक बार चढ़ा देते हैं क्योंकि हम ब्लू का निकाल रहे हैं। लो भाई ब्लू का, ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल ये सब है, यही ना हमको ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ब्लू वाले के वृत्त के क्षेत्रफल में से ये नीचे ये पीछे वाला जितना भी है वो क्षेत्रफल हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, मतलब इसके जस्ट पीछे कौन है, रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल हम घटा देंगे, यही ना, तो रेड वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल उसके त्रिज्या कितना है, तो रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल का जो त्रिज्या है, रेड वाले है ना, यहाँ पे लिख देते हैं RED, रेड वाले वाले है ना, वालो लिखता हूँ, ठीक है, वाले वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की भैया त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका कितना है, तो इसका जो त्रिज्या है ना वो दिया गया है, देखिए यहाँ 10.5 तब नहीं रेड में आएगा, तो ये हो जाएगा 21, कितना होगा 21 दिया गया सेंटीमीटर, ओके, अब ब्लू वाले के लिए त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं BLUE, ब्लू वाले वृत्त की
त्रिज्या कितना होगा बताओ आप जरा सोचो। तो 10.5 इतना है, इस पट्टी की भी चौड़ाई 10.5, आगे वाला भी जो पट्टी है उसकी चौड़ाई 10.5, सब पट्टी की चौड़ाई 10.5 है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की त्रिज्या हम जोड़ देंगे, 10.5 10.5 कितना होगा 21, 21 में हम 10.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 31.5, इसका जो त्रिज्या होगा 31.5 सेंटीमीटर आ गया है ना। अब हम निकालेंगे क्या ब्लू, यहाँ पे लिखेंगे ब्लू वाले वाले वृत्त का क्षेत्रफल है ना। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वलय का क्षेत्र, ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है भैया पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर और माइनस के छोटका आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे पाई इंटू, ठीक है, बड़का आर रेड है तो यहाँ से हम क्या करेंगे पाई का मान 22 बटे हम 7 लिखेंगे और उसके बाद बड़का आर स्क्वायर, तो बड़ा यहाँ पे 31.5 हुआ ये ब्लू वाले के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 31.5 ओके, इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस आर, तो रेड के लिए छोटका आर ये हुआ, इसका जो हम त्रिज्या कितना है 21, तो 21 और इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो 992.25 कितना आएगा 2.5 आएगा, ठीक है। ये 22/7 है तो 22/7 लिख लीजिए और गुना के रूप में रखिए और माइनस, तो माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा 421 होगा, ठीक है। 400 कितना होगा 21, एक एकम एक, दो एकम दो दूनी, सॉरी 441 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे देखिए 22/7 है तो 22/7 लिखिए और गुने में 992.25 में से 441 हम घटा देंगे, घटाने पर कितना आएगा 551.25 आएगा, ठीक है, घटाने पर हमने घटा दिया। और उसके बाद क्या करेंगे 551.25 में 22 से हम गुना कर देंगे, तो जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 12, 12, 7 और 5, ठीक है, यहाँ दशमलव रखो 12, 12, 7 बट्टे में रखेंगे, ये हमारे पास जो 7 है वो 7 रखेंगे और 7 से सभी में हम भाग देंगे तो कितना आएगा। देखो मैं कैलसी ना पहले करके और मिटा देता हूँ क्योंकि उसको कट कर देता हूँ, समय वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको पता ही होगा, भाग दोगे तो कितना आएगा ये 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, तो ब्लू वाले का, ठीक है। तो ये आंसर निकल के आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमें ज्ञात करना है वो किसका ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें निकालना है ब्लैक वाले का, ठीक है, किसका निकालना है ब्लैक वाले का, ओके, किसका निकालना है तो ब्लैक वाले का, तो हम इसी का ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो ब्लैक वाले का त्रिज्या हमको पता होना चाहिए, ज़्यादा निकल गया कोई बात नहीं, तो ब्लैक वाले का हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ तो केंद्र एक ही है तो यहाँ से सब यहाँ पे ये भी 10.5 जुट जाएगा, है ना। तो ब्लैक वाले के लिए त्रिज्या कितना होगा, यहाँ से सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 और ये यहाँ तक 21 मतलब 42 होगा, कितना होगा 42 होगा ब्लैक वाले का, कितना होगा BLACK ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 42 सेंटीमीटर। उसी तरह इसके नीचे जस्ट क्या है ब्लू है ना, तो ब्लू वाले के लिए त्रिज्या कितना होगा 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यही रहेगा। तो वही करना है कि अब ब्लैक वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, तो घटाने के लिए वही लगाएंगे वलय का क्षेत्रफल, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि ब्लैक के लिए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो यही रहेगा, है ना, बस हमें क्या करना है त्रिज्या से बदल देना है, ठीक है। तो यहाँ तो फॉर्मूला वही रहेगा, तो ये अब बड़ा आर कौन हो गया 42 हो गया, हम 42 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस छोटा आर कौन हो गया, तो छोटा आर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31.5 हो जाएगा, 31.5 इसका स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। बस अब 22/7 है तो 22/7 लिखिए, अब हमें करना क्या है यहाँ से 42 का स्क्वायर लिखे हैं, तो 42 का स्क्वायर लिखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16 के 6 हासिल 1 और 4 4 16 1 17 1764 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 31.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, मैंने किया था वो हम लिख देते हैं, ठीक है, वो आएगा 992.25 ये आएगा। अब हमें क्या करना है 22/7 है तो 22/7 लिखो
अब ये 1764 में से 992.25 को घटा दो और यहाँ पे लिख दो, तो घटेगा तो कितना आएगा, 771.25, 7.5 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ से बहुत सिंपल है, वही विधि मेथड अपनाना है कि नहीं। तो अब हमें करना क्या है, 22 से हम इस समय मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 से 771.75 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे 16978। ठीक है, 16978.5, ठीक है, और बट्टे में ये लगा देंगे हम 7, गुना करने का ये हो गया। अब 7 से इन सब में भाग दो, तो भाग दोगे तो कितना आएगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कैलसी कर लेना, आपको स्ट्रांग होगा, पता ही होगा। ठीक है, भाग दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन करने में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो ब्लैक निकल गया, ब्लू भी निकल, ब्लैक, अब लास्ट बचा एक वाइट। ठीक है, क्या बचा, एक वाइट, मैं इसको इधर मिटा देता हूँ। ठीक है, वाइट बचा, क्या बचा, एक वाइट, तो वाइट यहाँ से, तो इसका भी पट्टी 10.5 हो जाएगा। ठीक है, तो वाइट वाले के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे वाइट, हाँ, तो वाइट वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो देखो भाई वाइट वाले जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास कितना, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो 42 में 10.5 अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा, 52.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसके जस्ट नीचे पीछे क्या है, ब्लू, ब्लैक है ना, तो ब्लैक वाले के लिए कितना हो जाएगा त्रिज्या, तो ब्लैक वाले के लिए त्रिज्या हो जाएगा यहाँ तक, ब्लैक वाले तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक के सभी त्रिज्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, कितना आएगा, 42 सेंटीमीटर। ओके, ये आएगा हमारे पास। अब वही, अब हमें ज्ञात करना क्या है वाइट वाले के लिए, तो हम लिखेंगे WHITE, वाइट के लिए वलय का क्षेत्रफल, फॉर्मूला यही रहेगा सेम, अब हमको बदलना है सिर्फ। ठीक है, क्या बदलना है, बदल देना है यहाँ पे, तो बड़का अर्थ, तो ये पूरा बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 52 कितना वो लिख देंगे, 52.5 इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, और माइनस ये आर कितना है, तो भाई देखो ये आर यानी छोटा आर इसके पीछे, तो इसके पीछे कितना है, 42 है, हम लिखेंगे 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है यहाँ से, ठीक है, करना क्या है कि 52.5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, दशमलव लगाओ, 52 है तो 52 से 53 हो जाएगा, 53 में और 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 3 × 6, 5 × 10, 5 × 3 = 15 है ना, तो 25 के 5 हासिल दो, 25 × 2 = 27, तो ये हो जाएगा 2756 नहीं, ये आएगा 2756.25 और -42 का स्क्वायर, तो ये होगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 के 6 हासिल 1 × 4 = 16, 1764 हो जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से घटा देंगे, ओके, ये 22/7 लिखेंगे और गुने में 2756.25 में 1764 जो वो हम घटा देंगे, और घटाने के बाद यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो 992.25 आ गया। अब 22 से 992.25 में हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2182.95 ये आएगा, और बट्टे में हम 7 लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से भाग देंगे, 7 से 2182.95 में भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आई होप कि यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। और दोस्तों चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दे रखा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, अब कार के जो पहिया होगा कैसा होगा, गोल होगा भैया, कैसा होगा तो गोल होगा, ये कार के पहिया समझ लो। इस पहिए का जो व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास है 80 सेंटीमीटर, तो भाई त्रिज्या कितना होगा, 40 सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितना चक्कर लगाएगा, मतलब चक्करों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, यानी 11 किलोमीटर तक क्या सड़क है, दूरी है समझो, और उस पर ना कार चल रही है, तो जो पहिया जो ही ना बेचारा घूम करके घूमेगा तो कितना बार वो ना ओंघरेगा यानी चक्कर खाएगा, कितना बार वो घूमेगा,
है ना, ये इसकी संख्या आपसे पूछ रही है। ठीक है, मानो कि इसको घुमा दोगे एक बार तो यहाँ तक आ जाएगा, मानो इसको दो बार घुमाए तो वहाँ तक जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो इसी तरह 11 किलोमीटर तक भी पहिया घूमते जाएगा तो कितना मेरी पलटी मारेगा, कितना चक्कर मारेगा, वो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा मतलब एक घंटा में 66 किलोमीटर जाता है, मतलब एक घंटा मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देते डायरेक्ट प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है, ये हुआ कि एक घंटा, प्रति घंटा मतलब एक घंटे में 66 किलोमीटर, तो एक घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में कितना 66 किलोमीटर, 60 मिनट में कितना 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, चार से चल रही है यही समझो, तो कह रहा है 60 में इतना, तो एक मिनट में कितना, तो एक मिनट में होगा ये 66 और बट्टे में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो एक मिनट में इतना आ गया, तो भैया 10 मिनट में कितना, तो 10 मिनट में ही होगा 66 बट्टे में 60 और गुने में 10, ये हो गया, जीरो से जीरो कट गया और 11 छक 66 कट गया, तो हमारे पास आ गया 11 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब देखो किलोमीटर है, ये जो वृत्त की परिधि जो है ना वो होगा सेंटीमीटर में, किस में होगा सेंटीमीटर में। तो भाई ये जो वृत्त की परिधि जो है यही ना इस पर चक्कर मारेगा, तो ये अगर सेंटीमीटर में है तो किलोमीटर की जो कुल दूरी है इसको काहे नहीं हम सेंटीमीटर में बदल लें। तो सिंपल सी बात है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए अगर 11 किलोमीटर है तो 11 में हम कितना से गुना करेंगे सेंटीमीटर बदलने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि मीटर में, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो सेंटीमीटर तक आ गया, यानी बोले तो इतना से गुना करना पड़ेगा, इकाई दहाई, सैकड़ा हज़ार, दस हज़ार, लाख, एक लाख से हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 11 में था वो सेंटीमीटर में आएगा, तो हम लिख देंगे 11 तीन गो जीरो या ये दो जीरो पाँच, ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, तो ये पूरा हो गया सड़क की लंबाई, यही लंबाई पर ये घूमेगा है ना, तो अगर ये कुल लंबाई में से इसकी जो अति परिधि निकालेंगे ये राउंड वाला, इसमें भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगी है ना। तो हमने देखा यहाँ पे ये कुल दूरी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ओके, तो अब हमें अगर ज्ञात करना रहेगा कि पहिए की चक्करों की संख्या, तो हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ से मैं निकाला था, इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम डायरेक्ट लिखेंगे पहियों के चक्करों की संख्या बराबर। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मुझे तो कुल दूरी पता हो गया, इतना आ गया है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पहिए के चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या जितना, अगर चक्करों की संख्या ज्ञात करने दी, जो कुल दूरी निकाले हैं से इतना सेंटीमीटर तक है, इसमें हम क्या करेंगे, 11 कितना है, इकाई दहाई, सैकड़ा हज़ार, दस हज़ार, लाख, दस लाख। ठीक है, इतना है, तो ये सेंटीमीटर में, और इसमें हम भाग दे देंगे किस से, तो ये वृत्त की परिधि, इसकी जो दूरी होगी उससे हम भाग दे देंगे, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, तो 2 और गुने पाई यानी 22 बट्टे में 7 और गुने आर, आर कितना है, तो 40 है, तो हम लिखेंगे 40। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, हम क्या करेंगे, जो नीचे रहता है इसको हम ऊपर भेज देंगे, ये गुना है, इसका नियम है। ठीक है, 0, 00 और 10, गुने में ऊपर 7 जाएगा, नीचे ये सब रहेगा, 2 और गुने में 22 और गुने में 40। चलो हम काटते हैं, ये हुआ, इसको काटेंगे कैसे, काटने के लिए हमें सिंपल सा तरीका है, पहले हम 2 से ही काट देते हैं, 5 दूनी 10 और इसको हम भाग दे रहे हैं 2 से इस समय। ठीक है, तो 5 एक जाएगा, ये 10 हो गया, 2 5 10 है ना, ये आ गया 2 5 10 राइट, तो 2 5 10 और एक जाएगा, तो यहाँ फिर हो जाएगा हमारे पास 2 5 10। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी जीरो है सबको आप उतार सकते हैं, ये जीरो से जीरो काट सकते हैं, अब ये 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यानी 55 पे कितना, 3 जीरो आ गए, इसको काटोगे तो इतना, जीरो से ये जीरो कट जाएगा और हमारे पास 2 से इसमें हम भाग देंगे तो देखो इतना आएगा। ठीक है, 55 और 3 5 0 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम भाग देंगे फिर से, अगर हम इसको भाग दें कि 2 एक रही है 22, अब 5 एक रही है
55 और 3 गो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, ये कट गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि अगर 7 से 5000 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 7×5=35 और 000 और बट्टे में ये 4×2=8। अब 8 से 35 000 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देख लो हम भाग दे देते हैं, 35000 में 8 से हम भाग देंगे तो 8×3=24, 8×4=32 घटाएंगे तो कितना होगा, ये 3 आएगा, ये 0 कट जाएगा, है ना। तो ये 0 8×3=24, तो ये 24 घटाएंगे तो कितना 6 आएगा, ये 0, ये 0 यहाँ पे उतार लेंगे तो 8×7=56, 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4, फिर ये 0 उतारेंगे, 8×5=40, यानी 43×75। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 43×75। बोले तो ये जो पहिए की चक्करों की संख्या जो है, यानी कार के जो पहिया की चक्कर जो लगाएगी वो 4375 बार जब चक्कर लगाएगी ना तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, कितना दूरी, ये पूरा दूरी तक पहुँच जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि इस चैप्टर के यानी 12.1 का ना लास्ट क्वेश्चन है, ओके। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है, बहुत सिंपल है, ऐसे ही पढ़ करके मैं आपको बता दूंगा कि यदि एक वृत्त का परिमाप, कोई वृत्त है उसका जो परिमाप, परिमाप बोले तो लिखो परिमाप ही लिख देते हैं, कोई वृत्त है उसका परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब परिमाप वृत्त का और वृत्त का जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर है, ठीक है, मैंने बराबर कर दिया, तो बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, चलो पाई से पाई कैंसिल, अब यहाँ 2r बचा, बराबर में ये r² क्या लिखेंगे, r × r, अब ये r से r कैंसिल, तो हमारे पास 2 r बचा, ठीक है, यानी r की वैल्यू आ गई 2 इकाई, ये 2 मात्रक, यानी r हम लिख सकते 2 आंसर, ठीक है, 2 मात्रक हम लिख देंगे, मात्रक, ये हमारे पास आंसर आ गया, है ना। तो ये चैप्टर जो 12.1 था वो चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया इस वीडियो में, अगली वीडियो में एक ही वीडियो मैंने उस चैप्टर को भी समाप्त करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी लाभ उठा सके, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।